नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। गबन पार्ट 37। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने चार आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दारोगा थे, वह सिख थे, बहुत हसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सर पर केश था, हाथों में कड़े पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़ सांवला लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फले हुए गाल और ठिगना कदब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक केश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूं, सभी तरह का लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हफ्ती की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करकर दोनों आदमी वहां से रवाना हुए। छोटा दारोगा भी उसी के साथ चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया और सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाइए कुछ इनाम दिलवाइए, एक मुलजिम को सुबह ही गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ, पहले नाम और सैनत दोनों गलत बतलाई थी, देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के घर ठहरा हुआ है, जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के। सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसको सर से पांव तक देखा, मानो मन मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है, अंधा भी पहचान ले, यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित रहने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूं, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपए मुझसे खर्च हो गए, मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहां आ गया, इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद कर कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों में वहां कहां गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया, अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया, इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा सरकारी मुस्लिम को घर छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर फूल चुक तो आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे।
यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कवर तो बचा, इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी दीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद रखेंगे। दारोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया। देवी दीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लिए जिए जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दारोगा, कांस्टेबल इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवी दीन के होठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमानाथ ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देख विह्वल हो गई हो, वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमानाथ अभी भी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए का गिकर करके थोड़ी देर में आता हूँ। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया हो। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।